Today I want to tell you about the grammar of crossability, right? Today we will read grammar of crossability. You know what the means of possibility? Sambhavna, right? Today is the grammar of crossability. Please don't put the duster at podium, okay? Grammar of possibility, the means of possibility, संभावना. आज हम लोग grammar of possibility पढ़ेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं संभावना की व्याकरण, जिसे हम कहेंगे संभावना की व्याकरण. हमारी जिंदगी में कोई भी काम तीन तरीके से होता है. कोई भी वर्क जो होता है हमारा, वो वर्क एक तो 100% होता है. किसी वर्क को हम क्या कहते हैं, 100% हुआ. मैंने उसे रोड पार करते हुए देखा, और जब मैंने उसे रोड पार करते हुए देखा तो मैंने कहा कि संभावना 100% है. जब भी कोई आपसे पूछेगा तो आप उसे संभावना में नहीं बताओगे, बल्कि आप उसे कॉन्फिडेंटली बताओगे कि 100% काम हुआ. लेकिन जब पॉसिबिलिटी की बात होती है तो या तो 80% की पॉसिबिलिटी होती है और या तो 20% की प्रोसिबिलिटी होती है. यानी कि संभावना या तो 80% की होगी या तो 20% की होगी. 100% मतलब काम कंप्लीटेड हुआ. लेकिन जब हम 80 हम कहते हैं शायद वो मेरे घर आए, और जैसे ही शायद लग जाता है ना, उसकी संभावना एकदम खत्म सी हो जाती है, तो वो हमारा 20% पहुंच जाता है. हम कहते हैं वो मेरे घर आएगा. हम 100% श्योर नहीं है, हम कह रहे हैं वो मेरे घर आएगा. तो हमने कितनी संभावना लेके अपने आप को बताया, 80%. तो आज हम ये जो ग्रामर ऑफ प्रोसिबिलिटी है वो हमारी 20% और 80% पर ही टिकी होती है. देन वी विल टीच अबाउट द ग्रामर ऑफ प्रोसिबिलिटी. हेडिंग डालें ग्रामर ऑफ प्रोसिबिलिटी. ग्रामर ऑफ पॉसिबिलिटी. हम पॉसिबिलिटी की ग्रामर को यहां पर मार्क करेंगे आज, राइट? ग्रामर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या पढ़ेंगे इसे? पॉसिबिलिटी. सारे कामों की जो शुरुआत होती है वो हम बॉक्स नंबर 1 से ही करते हैं, और ग्रामर ऑफ प्रोसिबिलिटी की शुरुआत भी हम करेंगे बॉक्स नंबर 1 से ही करेंगे. बॉक्स नंबर 1 है हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस. और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहता है कि वह खाना खाता है या वह खाता है. वह खाना खाता है. जब हम कहते हैं कि वह खाना खाता है तो हम 100% श्योर हैं. कितने परसेंट श्योर हैं? 100%. और हम कहते हैं ही ईट्स द फूड, राइट? इतने में तो आपको दिक्कत कभी होनी नहीं चाहिए. He eats the food, जो कि यहाँ पर 100% की बात हो रही है, और 100% हम कह रहे हैं कि वह खाना खाता है क्योंकि हमने खुद देखा. अब हम कहते हैं कि वह खाना खाता होगा. वह खाना खाता होगा. वह खाना खाता होगा. हमने पूछा कि भाई वो क्या करता होगा, तो आपने कहा 3 बजे हैं, वो खाना खाता होगा. तो इसमें जो है 80% की संभावना है, क्योंकि रोज जब आप हमसे हमें 2 बजे मिलते हैं तो हम आपको खाना खाते हुए मिलते हैं, तो 80% की संभावना है. किसी ने आपसे पूछा कि इस समय सर क्या कर रहे होंगे, तो आपने कहा सर खाना खा रहे होंगे. तो 80% की जब भी हमारी संभावना होती है तो हम सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट के बाद मस्ट भी लगा देते हैं, और मस्ट भी के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर
लगा है। ये हमारी अब यहाँ पर आईएनजी लेंगे हम, आई फर्स्ट फॉर्म में लेकर क्या लेंगे वर्ब की आईएनजी, क्यों, क्योंकि 80% की संभावना है और 80% की संभावना में काम अभी हो रहा होगा। अब आप हमसे अगर रोज मिलते हैं तो उस समय खाना खा रहे होते हैं, तो आपसे जब भी कोई पूछेगा कि सर क्या कर रहे हैं तो आपने कहा सर खाना खा रहे होंगे, कंटिन्यूटी शो हो रही है, इसलिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम यहाँ पर लेंगे। तो हमारा स्टेटमेंट हुआ कि he must be eating the food। 80% की संभावना के साथ हम हमेशा क्या करेंगे, मस्ट बी के साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? Yes. हाँ बताइए, समझ में आ रही है? Yes. अब अगर यही बात हो जाए कि वो शायद खाना खा रहा होगा, वो शायद खाना खा रहा होगा, अगर आप इसमें देखें ना तो जैसे ही शायद लग जाता है तो हमारी संभावना 20% की हो जाती है, तो हम सब्जेक्ट और यहाँ पर माइट भी लगा देते हैं, मस्ट के बाद क्या आता है माइट भी और वर्ब की आईएनजी ले लेते हैं, तो हम यहाँ पर कहेंगे ही माइट बी ईटिंग द फूड, ही माइट बी ईटिंग द फूड। ग्रामर ऑफ प्रोसिबिलिटी है, संभावना है, और बॉक्स नंबर 1 कहता है कि अगर 80% की संभावना है तो वहां पर हम मस्ट बी के साथ वर्ब की आईएनजी लगाएंगे, और जहां पर शायद की बात आ जाएगी 20% की संभावना होगी तो वहां पर हम माइट बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। क्लियर है? राइट डाउन योर नोटबुक। समझ में आई बात? यस। yes,